सुशांत सिंह राजपूत केस में विनय तिवारी को एग्जम्पशन देने पर इकबाल चहल का एक नया बयान आया है। जी हाँ, मैं पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि मुंबई में इस समय भारी बारिश है और वो सुबह से मुंबई का मुआयना करने के लिए निकले हुए थे। अभी वो जब अपने ऑफिस पहुंचे हैं, वहां पर मीडिया से उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि मैं सुबह से बाहर था, मैं अभी आया हूँ, मुझे अपने ऑफिसर्स से पता चला है कि इस तरह से पटना आईजी की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि उनको एग्जम्पशन दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, अब इसका जो है प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और मिल जाएगी उन्हें एग्जम्पशन। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये एक रूल है, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट से आए हैं, आपने ट्रैवल किया है, तो 14 दिन का होम क्वारंटीन रहता ही रहता है और उसी के तहत जो है उनको होम क्वारंटीन किया गया था। अगर उनको एग्जम्पशन चाहिए तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए, अगर अब उन्होंने अप्लाई किया है तो हम दे देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि आज शाम तक जो है वो अपने काम पर निकल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी होगा क्यों नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अभी हमें एप्लीकेशन मिली है, हम इस पर प्रोसीजर करेंगे, जितना समय लगता है उतना लगेगा, यानी कि आज शाम या फिर कल सुबह तक जो है विनय तिवारी को एग्जम्पशन मिल जाएगा। इस तरह से मुंबई बीएमसी के जो कमिश्नर है इकबाल चहल, उन्होंने एक नया बयान दिया है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब एप्लीकेशन मिलने के बाद आज शाम या तो कल सुबह तक जो है विनय तिवारी बाहर निकलकर अपना काम शुरू कर सकेंगे।